तो कैसे आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया कि अगर आपके पास CSCID है, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, तो आप आधार सेंटर कैसे लेंगे। इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि आपके पास CSCID नहीं है, नहीं किसी प्रकार का VC पॉइंट है, सिर्फ आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से आधार सेंटर ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया इसमें बताएंगे। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने हैं तो आपको यहाँ पे घाटा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो निरंतर देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से कहना चाहेंगे कि 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, सिंपल से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और CSE बैंकिंग और आधार सेंटर से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखते रहिए। तो आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से आधार सेंटर कैसे लेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसमें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस साइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिंपल से आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। आधार, अगर आपके पास CSE है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये आधार सुपरवाइजर ID, उस पर हम पहले वीडियो बना दिए हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आधार सुपरवाइजर। आधार सुपरवाइजर में यहाँ पे आप आधार सुपरवाइजर अप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हैं या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप फ्रेशर है, आपके पास CSCID नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो आपको यहाँ पे लॉग इन करके आपका मतलब कि लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने से सबसे पहले तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जॉब टाइप में सेलेक्ट करना, जॉब सीकर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। जॉब सीकर सेलेक्ट करने का मोबाइल नंबर फिल करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट यह सारा डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ते हैं। तो OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सिंपल से यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल किया जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्या होता है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे आप अपने साथ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। पर्सनल डिटेल्स में रीजन सेलेक्ट करना है, मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट डिटेल्स सेलेक्ट करना है। करेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं सिंपल से आपको वो सारा फिल करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस और स्किल यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आप कितने तक पढ़े हुए हैं सिंपल से आप यहाँ पे फिल कीजिए। मिनिमम यहाँ पे आधार सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 12th होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्किल कैटेगरी। तो स्किल कैटेगरी में आपको यहाँ पे स्किल्स यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस चूज करें, नहीं तो आप फ्रेशर चूज कीजिए। और जॉब रोल टाइप में आपके यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा यहाँ पे कुछ, क्योंकि हमको आगे का प्रोसेस बताना है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ खास नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, इस पर हम जरूर एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारा चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और चलिए डायरेक्ट हम मतलब कि अप्लाई करना जानते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक आ गए हैं। बैक आने के बाद सबसे पहले तो आपको वहीं पे आ जाना। वहीं पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई आधार सुपरवाइजर। सिंपल से आधार अप्लाई सुपरवाइजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि 12th ही होना चाहिए, 12th आप किए हैं तो आप आराम से यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आधार अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको मेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर। सिंपल से आपको मेल आईडी मोबाइल नंबर इंटर करके यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो आपको यह सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो आपको यह सारा फिल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आता है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक रहेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वही उसी के अनुसार फिल करना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे 12th सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन टाइप में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट जॉब लोकेशन। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर कर दे कि यह जॉब बेसिस आधार सेंटर अप्लाई, यह जॉब बेसिस आधार सेंटर है, यानी कि आपको जिस जॉब लोकेशन पे आप सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे बैठकर आपको काम करना है और सरकार के द्वारा से आपको 20 से 25 हज़ार तनख्वाह दिया जाएगा पर मंथ, अगर आप में इसमें जॉब लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन चूज करना है, उसके बाद सेकेंड जॉब लोकेशन चूज करना है, इसके बाद यहाँ पे टॉप जॉब लोकेशन चूज करना है।
सबसे पहले तो आपको यह सारा तीनों चीज को लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट डिटेल्स है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर सुपरवाइजर आईडी नंबर इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आधार सुपरवाइजर अपलोड फोटो, यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको प्रोसेस बताते हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ पे आपका सारा चीज सही रहता है तो आपको इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो आपको उस जॉब लोकेशन पे काम करने के लिए दिया जाएगा, और सरकार के द्वारा एक तनख्वाह दिया जाएगा जो आपके लिए निश्चित किया जाएगा। तो यह वीडियो हमारा इसी पे आधारित होने वाला था। सिर्फ आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आप आधार सेंटर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार चाहे किसी भी स्टेट में हम आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ले लिए, चाहे कोई काम हम ले लिए, तो हम सिर्फ वहीं पे बैठ कर काम कर सकते हैं। हम आप अदर अदर लोकेशन में भी बैठ कर काम सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब होता है, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, वहाँ पे तो आपको बैठना ही पड़ता है, लेकिन आपको अदर लोकेशन पे भी कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस था। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका दिक्कत जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद।